हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नॉनी साग के क्रिस्पी पकोड़े, एकदम अलग और इतनी क्रिस्पी कि प्यार हो जाएगा आपको इस पकोड़े से। खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी और बनाना बहुत ही आसान। तो देखिए, यहाँ पे मैं नॉनी साग ली हूँ। इसे हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है और इसे हमें धोना भी बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इसमें गंदगी बहुत ही होती है। जब तक पानी साफ ना निकले उतनी पानी से आप धो लें, कम से कम आप 4-5 पानी से तो ज़रूर ही धो लें। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। पहले मैं यहाँ 3 चम्मच बेसन ऐड करी हूँ, उसके साथ ही 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट, साथ ही 1/4 टेबल स्पून अजवाइन। और फिर क्रिस्पी करने के लिए पकौड़े को यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करी हूँ, करीब 2 या 3 पिंच के आसपास होगा। हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। साग आप नहीं भी काटेंगे तो चलेगा, बस जब हम सारी चीज़ों को मिलाएं ना तो साग को बिल्कुल मैश करते हुए मिलाएं। साग बहुत ही आसानी से बेसन और सारी चीज़ों में मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से टूट भी जाता है, बस आप इसे मैश करते हुए मिलाएं। अभी हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब अच्छे से इस तरह मिला लें साग को, उसके बाद आप थोड़ा सा ज़रूरत हो तो पानी डालें, वरना ना डालें। और फिर हमें इस तरह से एक बार और हमें मिला लेना है। साग जब वॉश करते हैं तो उसमें पानी लगी हुई ही रहती है, इस वजह से आप ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो बेसन आपको ज़्यादा डालना पड़ सकता है, तो फिर नॉनी के साग की टेस्ट उतनी नहीं आएगी। और फिर इसे मीडियम फ्लेम पर हमें तल लेना है। बिल्कुल छोटे छोटे बैटर आप तेल में ड्रॉप करते हुए जाएं, पतली पतली सी, और फिर इसे क्रिस्पी होने तक तल लें। नॉनी साग की टेस्ट इतनी अच्छी आती है ना कि आप बहुत ही पसंद करेंगे इस पकौड़े को। और इतनी आसान है जो बनाना, यह इन्हीं सीजन में मिलता है और हमें साल भर इंतज़ार होता है नॉनी साग का। इतनी टेस्टी लगती है पकौड़े, साथ ही क्रिस्पी भी। तो एक बार आप ज़रूर इस पकौड़े को बनाएं और फिर हमारे इस वीडियो को खूब सारा प्यार दें, खूब सारा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा यह पकौड़ा का रेसिपी कैसा लगा। और इसे अपने मनपसंद चटनी सॉसेस के साथ इंजॉय करें, या फिर आप इसे चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं। हर किसी के साथ इसका मस्त कॉम्बिनेशन लगता है ना, बहुत ही आसान रेसिपी। देखिए, बातों ही बातों में हमारे पकौड़े गोल्डन होकर तैयार हो चुके हैं और इतनी खूबसूरत कलर आती है ना, देख कर ही खाने का मन होगा। तो देर किस बात की, फटाफट किचन में जाइए और आज ही नॉनी साग के इस क्रिस्पी पकौड़े को इंजॉय कीजिए। बस मार्केट में तो अभी आपको आसानी से नॉनी साग मिल जाएंगे, बस एक बार जरूर इस सीजन में नॉनी साग के क्रिस्पी पकौड़े खाइए और देखिए कितनी खूबसूरत हमारी पकौड़े दिख रही है। तो आप भी इस पकौड़े को एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और हमारे इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जल्दी मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।